मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन में क्लिक कीजिए ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके। हाय फ्रेंड्स, मैं शुभजीत कंप्यूटर टीचिंग इंस्टीट्यूट से। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोग किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो में रिपोर्ट क्रिएशन कर सकते हैं, मतलब एक रिपोर्ट को किस तरह से आप लोग फॉक्स प्रो में बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने विजुअल फॉक्स प्रो को ओपन कर लिया है। यहाँ पे रिपोर्ट को बनाने के लिए पहले आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, जो टेबल मैं यहाँ पे अभी अभी बनाऊंगा। तो टेबल बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि पहले क्रिएट लिखना होता है। तो पहले लिखिए यहाँ पे क्रिएट स्पेस, कोई भी टेबल का नाम दे दीजिए, तो मैं SS देता हूँ, फिर एंटर। अब यहाँ पे फर्स्ट आपको फॉर्म नंबर देना होगा। मैं फॉर्म नंबर दे रहा हूँ, मतलब आप कोई भी कुछ भी टेबल को कोई भी टेबल के ऊपर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेम, नेम को कैरेक्टर छोड़ देते हैं। हम लोग पहले टेबल में सीख चुके हैं कि नेम को कैरेक्टर छोड़ना है। फिर कोर्स, कोर्स के लिए मैं यहाँ पे कैरेक्टर छोड़ता हूँ, क्योंकि कोर्स का नाम भी मुझे कैरेक्टर से ही लिखना होगा। इसके बाद बैच नंबर, बैच नंबर मैं न्यूमेरिक में देता हूँ क्योंकि नंबर से लिखना पड़ेगा उसको हमको, और इसमें भी 10 छोड़ देता हूँ। फिर लास्ट करते ग्रेड, इसको भी कैरेक्टर छोड़ते हैं और इसको 4 कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, Ctrl+W से सेव। सेव करने के बाद कुछ डेटा मुझे यहाँ पे टाइप करना होगा। तो चलिए फ्रॉम नंबर देते हैं 1, नेम। तो मैं थोड़ा फटाफट इसको टाइप कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डेटा को टाइप कर लिया है। अब मैं इसको Ctrl+W देके पहले सेव कर लेता हूँ। अब फ्रेंड्स, हम लोग रिपोर्ट कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो रिपोर्ट बनाने के लिए पहले आपको टूल्स मेनू में जाना होगा। टूल्स मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा विजर्ड। विजर्ड से आपको आना है सीधा रिपोर्ट विजर्ड में। तो यहाँ पे देखिए रिपोर्ट लिखा हुआ है। रिपोर्ट में जाने के बाद आपको रिपोर्ट विजर्ड में क्लिक करना होगा, फिर आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना होगा, जिसमें सारा फील्ड जो यहाँ पे है वो इस साइड में आ जाएगा, मतलब राइट साइड में आ जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट में क्लिक करना होगा। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद फिर एक बार नेक्स्ट कर लीजिए। फिर यहाँ से कोई भी स्टाइल, जो आप रिपोर्ट का स्टाइल जैसे आपको चाहिए उस तरह का स्टाइल पहले चूज़ कर लीजिए। तो मैं कैजुअल रखता हूँ। फिर आप यहाँ से नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद फिर आपको ऑरिएंटेशन को चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ से मैं लैंडस्केप ले लेता हूँ। फिर आप यहाँ से नेक्स्ट में क्लिक कीजिए फिर से। फिर आप असेंडिंग में चाहते हैं, मतलब आपका जो डेटा रहेगा वो असेंडिंग ऑर्डर वाइज होगा, तो मैं असेंडिंग में क्लिक छोड़ देता हूँ। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक नाम देना पड़ेगा, जिस नाम को आप रिपोर्ट के एकदम टॉप में चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स फॉर द ईयर ऑफ 2017। ओके, फिर आपको फिनिश में क्लिक करना है फ्रेंड्स। तो मैं फिनिश में क्लिक करता हूँ। फिनिश में क्लिक करने के बाद ये डेटाबेस में सेव होने के लिए एक नाम आपको यहाँ पे देना होगा, जिस नाम से आप इस रिपोर्ट को आपका कंप्यूटर हार्ड डिस्क में सेव करना चाहते हैं। आपका विजुअल फॉक्स प्रो का जो डेटाबेस है वहाँ पे सेव हो जाएगा वो। इसके लिए मैं यहाँ पे SS रहने देते, फिर SS रिपोर्ट नाम से सेव कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेव में क्लिक करता हूँ। देखिए ये रिपोर्ट बन के रेडी हो गया है। अब ये तो हो गया है, लेकिन फ्रेंड्स इसको देखेंगे कैसे। तो फ्रेंड्स, रिपोर्ट को देखने के लिए आपको जो कमांड लिखना पड़ेगा वो है रिपोर्ट स्पेस फॉर्म स्पेस जो नाम से रिपोर्ट को सेव किए थे, SS रिपोर्ट नाम से, तो वही नाम यहाँ पे आपको देना होगा, और फिर एंटर। अब देखिए रिपोर्ट आपके सामने आ गया है फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स फॉर द ईयर ऑफ 2017 लिखा था, और डेट देखिए आज का डेट, अगर आपका कंप्यूटर का डेट सही है तो आज का डेट यहाँ पे आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे फ्रॉम नंबर, नेम, कोर्स, बैच नंबर, ग्रेड सब यहाँ पे
ठीक ठाक करके दिखा रहा है। आपको अगर कोई भी तरह का चेंजेस यहाँ पे करना होगा इस रिपोर्ट में तो आप कैसे करेंगे, और प्रिंट आउट अगर करना होगा इस रिपोर्ट को तो भी कैसे करेंगे, चलिए वो भी दिखा देता हूँ। तो आपको अगर रिपोर्ट में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना होगा तो आपको लिखना होगा मॉडी, जिसका फुल फॉर्म है मॉडिफाई स्पेस रिपोर्ट स्पेस देके जिस नाम का आपका रिपोर्ट है, तो मेरा नाम रिपोर्ट का नाम है एसएस रिपोर्ट, तो वो लिख के एंटर दीजिएगा। अब देखिए रिपोर्ट आपके सामने यहाँ पे आ गया है जहाँ से आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे खास चेंजेस हम लोगों को कुछ करना नहीं है, बस ये टेक्स्ट जो है मेरा इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ, और डेट जो है वो डेट को मैं इस साइड में कर देता हूँ ऊपर में। अब यहाँ पे सारा कुछ ठीक ही है, बस ग्रेड और बैच नंबर बहुत ही करीब हैं तो ये दोनों को थोड़ा सा इसमें गैप कर देता हूँ। नीचे का ग्रेड को भी आपको हटाना पड़ेगा। अब अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि इसको कलरफुल बनाने के लिए, तो कलरफुल भी अब ये बन सकता है। तो कलर बनाने के लिए, इसमें कलर डालने के लिए आपको पहले व्यू मेनू से कलर पैलेट टूल बार को लाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कलर पैलेट टूल बार में क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक टूल बार, कलर पैलेट टूल बार आ गया है जहाँ पे कलर मिलेगा हम लोग को, जहाँ से मैं कलर को चेंजेस कर पाऊँगा। तो कलर को चेंजेस करने के लिए देखिए मैंने स्टूडेंट डिटेल्स फॉर द ईयर ऑफ 2017 टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दो बॉक्सेस है, पहले का है फोरग्राउंड, दूसरे का है जो है वो है बैकग्राउंड। तो आपको अगर फोरग्राउंड कलर डालना है, तो मतलब मेरा टेक्स्ट का कलर डालना हो तो वो फोरग्राउंड ही होगा। तो मैं फोरग्राउंड में क्लिक करके फिर कोई भी एक कलर इसके लिए चूज़ कर लेता हूँ। तो चलिए ये देते हैं मैजेंटा। तो ये देखिए आ गया है, इसका कलर चेंज हो गया है। आपको अगर ये फ्रॉम नंबर, नेम, कोर्स, बैच नंबर, ग्रेड, इस सभी का भी कलर चेंज करना होगा तो सभी को आप शिफ्ट पकड़ के सभी को पहले सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने शिफ्ट पकड़ के सभी को एक साथ सिलेक्ट कर लिया है। अब क्या कलर देंगे वो आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं, तो छोड़ दीजिए हम और नहीं करना चाहते, तो अब इसको सेव करते रहते हैं। तो सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्लू प्रेस करना होगा, लेकिन उसके पहले आप प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो फाइल में जाके एक बार प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक कर लीजिएगा, तब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कलर हो गया है आपका। अब आपको अगर प्रिंट आउट करना हो तो यहाँ पे देखिए प्रिंट ऑप्शन दे रहा है, तो प्रिंट मेरा यहाँ इस कंप्यूटर में प्रिंट आउट नहीं होगा क्योंकि फ्रेंड्स प्रिंटर लगा हुआ नहीं है। तो आपको अगर प्रिंट आउट चाहिए होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट आउट कर सकते हैं इसका। अब ये दिखने मतलब आपका काम हो जाने के बाद अब इसको क्लोज कीजिए, फिर कंट्रोल डब्लू प्रेस करके इसको बंद कर दीजिए, कंट्रोल डब्लू। तो ये सेव हो गया। फिर से आपको अगर इसी जगह में रिपोर्ट को देखना होगा तो पहले स्क्रीन को क्लियर कर लीजिए, फिर रिपोर्ट फ्रॉम एसएस रिपोर्ट, जो मेरा रिपोर्ट देखने का कमेंट था उसी को मैं फिर से एक बार रन कर रहा हूँ। तो आप देखिए रिपोर्ट, कलरफुल रिपोर्ट मेरे सामने आ गया है फिर। तो बहुत ईजी था इसको करना, एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का नया नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहूँगा। फ्रेंड्स थैंक यू पूरे वीडियो को देखने के लिए, फिर मिलते हैं नए कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।